हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। तो आज है डे 2 हमारा पराठा सीरीज का। तो चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पराठा है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए तो ये ले लिए मैंने आटा। आटे की लोई बना लिए। अब इसको हम अच्छी तरीके से यानी कि एक बड़ा बेल लेंगे, यानी कि रोटी के टाइप का बेल लेंगे। और आटा हमें थोड़ा सा यानी कि जो लोई है वो हमें थोड़ी मोटी लेनी है। तो इस तरीके से मैं इसको बेल लूंगी। फिर उसके बाद लिए ये मैंने दाल मोठ, यानी कि ये आगरा की मशहूर है। किस किस को पता है और किस किस ने खाई है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज हम बनाने वाले इसी का पराठा। तो इसको अच्छी तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से हम इसको टैप कर लेंगे। और ये जो बचा हुआ है इसको वापस से इस पे लगा लेंगे और हल्के हाथों से इसको इस तरीके से ऐसे रोल कर लेंगे। और फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे सूखा आटा। तो इसको रोल करके मैंने लगा लिया सूखा आटा। अब बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको हम इस तरीके से राउंड करते हुए गोल बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। तो अब इसको रखूंगी मैं साइड में और इसी तरीके से अपना दूसरा पराठा बना के तैयार कर लूंगी। तो ये ले लिया मैंने तवा। तवे को कर लिया प्री हीट। तब इसके ऊपर हम डाल देंगे ये पराठा अपना दाल मोठ वाला। और आगरा की ये दाल मोठ किस किसने खाई और किस किस को अच्छी लगती है तो वो जरूर बताना। और इस तरीके का पराठा खाएंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, यानी कि आप इसको कभी भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यूनिक पराठा है। आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो अब इसको मैं दोनों साइड से अच्छी तरीके से सेक लूंगी। और इसको सेकने का तरीका है या आप मक्खन में या आप देसी घी में सेकें तो इसका स्वाद यानी कि दुगना हो जाएगा, यानी कि 10 गुना हो जाएगा। खाने में और भी ज्यादा मजा आ जाएगा आपको। तो पराठे को मैंने पलट लिया है। तब लगा देंगे इसके ऊपर अच्छी तरीके से देसी घी। अगर आप चाहें तो आप इसको ऑयल में भी सेक सकते हैं, पर इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। फिर इसको इस तरीके से ऐसे पलट लेंगे। तो नीचे वाला भी पार्ट हमारा सिक चुका है, तो इसके ऊपर भी हम लगा देंगे देसी घी। और इसको भी हम इसी तरीके से यानी सेक लेंगे। ये देखिए, तो इसको क्रिस्पी होने तक हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो पराठा हमारा सिक चुका है। तब इसको मैं निकाल लूंगी और इसी तरीके से अपना दूसरा पराठा सेक कर तैयार करूंगी और फिर करूंगी इसकी प्लेटिंग। तो हमारा टेस्टी सा यम्मी सा पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको दही के साथ या अचार के साथ खा सकते हैं, या फिर अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी आप इसको ले जा सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये मेरी यूनिक से पराठे की रेसिपी, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।